डोरीमोन मुझे भी एक टॉय चाहिए, तुम हमेशा नोबिता को ही देते हो, मुझे भी चाहिए। परी चलो उसे छोड़ो, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। मम्मी मुझे पराठा नहीं चाहिए। परी कितना टेस्टी पराठा बनाया मैंने तुम्हारे लिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना ये। तो तुम्हें क्या चाहिए ब्रेकफास्ट में? मुझे कुछ और चाहिए। परी अभी मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, चलो ना खा लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो भी कितनी भूख लगी है, पराठा ही खाना चाहिए था। परी ये लो। मुझे ये बहुत पसंद है। मम्मी आपको कैसे पता मुझे ये ही चाहिए? हाँ मैं तुम्हारी मम्मी हूँ ना, मुझे सब पता होता है। हाँ? तो चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है। परी चलो हम लोग होमवर्क करने बैठते हैं, मेरी ऑफिस की मीटिंग भी खत्म हो गई। चलो मम्मी मुझे ऐसे होमवर्क भी नहीं करना और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड भी नहीं करना। अरे क्यों परी, तुम्हें तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत पसंद है ना? पसंद है मम्मी, पर मैं स्कूल को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि हम नया बुक से पढ़ते थे और रिसेस में जो हम फ्रेंड के साथ मस्ती करते थे ना, मुझे वो बहुत याद आ रहा है। अब तो कुछ भी नहीं होगा, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। अरे परी सुनो तो, क्या हुआ परी, क्यों इतनी नाराज होकर चली गई? वो स्कूल को मिस कर रही है और अभी ना उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा घर पे। अच्छा तो फिर उसकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग कैसे करेंगे? तुम्हारी वो फ्रेंड है ना, वो टीचर है ना, रीचा। ओ हाँ। हाँ, उसको जरा पूछ लो फोन करके। अच्छा अच्छा आइडिया। हाँ पूछो। हाय रिचा कैसी हो? सुनो ना परी ना घर बैठे बैठे बोर हो गई और उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्या कर सकते उसके लिए? कौन सी वर्कबुक? स्कूल प्लस वर्कबुक बाय एलन इंटेलीब्रेन। ओ ठीक है मैं ट्राई करके देखती हूँ। ओके चलो थैंक यू बाय। स्कूल प्लस की वर्कबुक्स ना परी के लिए मैं ऑर्डर ही कर देती हूँ, अमेजोन पे चेक करती हूँ। अरे वाह मिल गई, ऑर्डर प्लेस, यस हो गया। ये देखो क्या है ये, परी की पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाने का सोल्यूशन। अच्छा पर क्या है मुझे भी दिखाओ। एक मिनट एक मिनट परी। या मम्मी ये देखो। वाओ ये क्या नया बुक सेट ये। अरे वो तो भाग गई, मुझे तो बताओ वो क्या था। अरे ये है स्कूल प्लस की वर्क बुक्स और इसमें है इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग और जीके के बुक, वो भी आंसर शीट के साथ। और तुम्हें पता है इसमें मिलता है स्टेशनरी किट, इंटरेस्टिंग बुकमार्क्स और एक्सक्लूसिवली इंटेली क्लब का इनविटेशन। और ये सारे वर्क बुक्स है किड्स फ्रेंडली फीचर्स के साथ, जैसे राउंड एजेस है इसमें, नो स्टेपल पिन और थ्रेडेड बाइंडिंग है जो इंश्योर करती है कि बच्चों को कहीं पे कट वगैरह ना लगे। और तुम्हें पता है इन वर्कबुक्स को डिजाइन किया गया है एलन करियर इंस्टीट्यूट ने, जिन्हें ना 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोचिंग का, और उन्होंने डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अच्छा और तुम्हें पता है ये वर्कबुक्स ग्रेड 1 से लेके 8 तक अवेलेबल है और उसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस है जो बच्चों को स्किलफुल बनाती है। और इस वर्कबुक में ना वो लंबे लंबे चैप्टर्स नहीं होते, उल्टा सारे चैप्टर्स कलरफुल इमेज से भरे पड़े जिससे बच्चों को ना रट्टा मारना नहीं पड़ता, सारी चीजें आसानी से समझ में आती है। ओहो क्या बात है। और इसमें ना परी खुद की प्रोग्रेस खुद ही ट्रैक कर सकती है, इसमें एक सेक्शन है आई एम प्रोग्रेसिंग करके। अच्छा। उसमें वो खुद की प्रोग्रेस देख सकती है। बढ़िया है फिर, ये इतने अमेजिंग स्कूल प्लस के वर्कबुक है, पर ये इतने आसानी से मिल सकते हैं क्या? अरे ये आसानी से आप लोगों को फेस्टिव प्राइस पे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल सकते हैं, या फिर आप इन्हें allenschoolplus.com पे भी आसानी से खरीद सकते हो जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। स्कूल प्लस के वर्कबुक की वजह से परी का पढ़ाई में इंटरेस्ट और भी बढ़ गया है और वो और भी एंजॉय करने लगी है। वाह पापा ये वर्कबुक्स तो बहुत अमेजिंग है। अरे वाह मम्मी ने पढ़ाई का बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल लिया फिर तुम्हारे। वेरी गुड मम्मी।
ये लो तुम्हारा मिल्क शेक। ठीक है दो। परी को इतना अच्छा मिल्क शेक बना के दिया, लेकिन परी फिर भी मुझे थैंक यू नहीं बोलती। वैसे तो परी मुझे कभी भी थैंक यू नहीं बोलती। यम्मी। परी, मम्मी ने इतना अच्छा मिल्क शेक तुम्हें बना के दिया, सुबह वो बोल रही थी तुम्हें पैनकेक भी दिया पराठे की जगह पे बना के, तुम्हारा इतना होमवर्क लेती है मम्मी, तुम्हारे लिए इतने अच्छे बुक्स भी ला के दिए, तुम कभी उसको थैंक यू क्यों नहीं बोलती? पापा, मम्मी को कौन थैंक यू बोलता है, और वो तो मम्मी का काम ही है। ऐसे नहीं होता बेटा, फिर भी थैंक यू बोलना चाहिए ना। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। परी को थैंक यू की वैल्यू समझानी ही पड़ेगी, उसको सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। परी। हाँ पापा। यहाँ पे आओ। हाँ आ रही हूँ। जल्दी आओ। क्या हुआ पापा? अरे बैठी क्या हो, चाय लेके आओ, जाओ चाय लेके आओ, जाओ जाओ जाओ। मम्मी को बोलो ना। अरे मम्मी ने बनाई है ना, तुम लेके आओ, जाओ 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 जाओ, उठो जाओ। पापा, पापा ये लो टी। अरे वाह परी बेटा। क्या? पापा आपने रिमोट देखा? नहीं, पर तुम यहाँ बैठी क्यों हो? तो फिर और क्या करूं? बिस्किट लाओ। आप तो कभी बिस्किट नहीं खाते। पर अभी मैं बिस्किट भी खाऊंगा, जाओ लेके आओ, जाओ जाओ जल्दी। मैंने पापा को चाय दी, पापा ने तभी भी मुझे थैंक यू नहीं बोला, अब बिस्किट मंगवा रहे हैं। पापा। अरे कितना लेट लाया तुमने परी। एक लू? नहीं, ये लो एक लू, जाओ। थैंक यू पापा। कितना लेट लाया तुमने, मैं कब से वेट कर रहा था, मेरी चाय खत्म होने को आई। पापा, आपको कुछ मुझसे बोलना है? नहीं तो मुझे कुछ नहीं बोलना, और तुम्हें कुछ यहाँ पे काम है? नहीं। नहीं तो फिर निकलो, जाओ जाओ। कुछ नहीं बोलना। नहीं बोलना भाई, जाओ। मुझे क्या बोलना है, जाओ। वेरी गुड। हाँ नहीं बोलना है, जाओ। परी को लग रहा था कि मैं थैंक यू बोलूंगा उसे, पर मैं उसे किसी भी कीमत पर सबक सिखाऊंगा और उसे थैंक यू बोलूंगा ही नहीं। अभी वक्त है परी को फिर से बुलाने का। परी, परी। हाँ पापा, क्या हुआ? तुम एक काम करो, मेरा लैपटॉप लेके आओ, मुझे थोड़ा काम करना है। लैपटॉप? हाँ हाँ, जाओ जाओ, ढूंढ के लेके आओ, जल्दी आओ। परी। हाँ पापा। कितना टाइम लगता है तुम्हें? ये लो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यार आंखें फिर से दर्द करने लगी है। एक काम करो, मेरा चश्मा लेके आओ, जाओ। चश्मा कहाँ पे रखा है? जहाँ से लैपटॉप लाई वहीं पे बाजू में गिर रखा होगा, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। परी, मिला क्या चश्मा? हाँ मिला। हाँ जल्दी आओ। ये लो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पापा, मैं काम कर पाऊंगा। अभी जाओ मुझे काम करने। कुछ बोलना है पापा आपको? नहीं तो सच्ची नहीं। हाँ एक काम करो, मुझे पानी लेके आओ, चाहो प्यास। पानी चाहिए? हाँ पानी लेके आओ, जाओ। वेरी गुड, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। जाओ। परी बेटा कहाँ पे हो, अरे कितना टाइम लगाती हो तुम। ये लो पापा आपका पानी। कितनी प्यास लगी थी परी बेटा। पापा आपको कुछ कहना नहीं है? क्या सुबह से लगा रखा है तुमने, तुम्हें कुछ कहना है कि नहीं, तुम्हें कुछ कहना है कि नहीं? मुझे नहीं कहना है परी कुछ। पापा क्योंकि मैंने आपके इतने सारे काम किए, और पापा आपने तो मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। ओ तो तुमने नोटिस किया कि मैंने थैंक यू नहीं बोला? हाँ। फिर मम्मी तुम्हारे इतने सारे काम करती है, तुम्हें हेल्प करती है, तुम्हारा होमवर्क करने के लिए तुम्हें इतना अच्छा रेडी करती है, तुम्हें इतने अच्छे अच्छे डिश बना के देती है, फिर तुमने उसे एक बार भी थैंक यू बोला?
नहीं। फिर जैसे तुम्हें बुरा लगा है वैसे मम्मी को भी बुरा लगा होगा कि नहीं? हाँ। तुमने कभी वो सोचा है? नहीं। फिर मम्मी को थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मैं अभी जाके बोलती हूँ। एक मिनट। हाँ? सिर्फ मम्मी को नहीं, और कोई भी हो मम्मी की जगह पे जो तुम्हारी हेल्प करे या तुम्हारा काम करके दे, उसे क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। वेरी गुड। हाँ, मैं अभी जाके बोलती हूँ। और मेरी तरफ से भी तुम्हें थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम डैडी। मैं अभी जाके मम्मी को बोलती हूँ थैंक यू। वेरी गुड, जाओ। सीख गई परी। कितना इजी था। थैंक यू मम्मा। थैंक यू। थैंक यू क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आप मेरे लिए खाना बनाते हो, मेरी पढ़ाई भी लेती हो और मुझे इतना अच्छा अच्छा रेडी भी करती हो। लेकिन आज अचानक से तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे पता चल गया मम्मी को भी थैंक यू बोलना चाहिए। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यू आर मोस्ट वेलकम। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटा। Say thank you to your parents and everyone who help you. और अगर friends आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। उस रेड बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना और हम आते हैं every Wednesday and Sunday, तो क्लियर? बाय।